नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कार फॉर यू में। मैं आपका दोस्त गितेश लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है आपकी AMT गेयरबॉक्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम AMT गेयरबॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किस प्रकार हम कार को AMT कार को चला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब वे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने AMT गियर बॉक्स के पास। जैसे कि आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा, मैं अभी ऑल्टो K10 के टॉप मॉडल AMT में बैठा हूँ। तो ये आपको जो AMT गियर बॉक्स दिख रहे हैं, लाइट्स ऑन कर देता हूँ। ये आपको जो AMT गियर बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों आपको दो चीज पता होनी चाहिए वो है आपकी ये और ये। दोस्तों, डी का मतलब आपका ड्राइविंग मोड, आप इसे ऑटोमेटिक भी समझ सकते हैं। अगर आप इसको डी पर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेगी। एम का मतलब दोस्तों मैनुअल, अगर आप इसको इधर कर देंगे गियर को तो ये मैनुअली कार आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं क्रम बाय क्रम आपको सारा समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये डी पर लेके आना है ब्रेक दबाकर। उसके बाद आप अपनी कार को बिना किसी चिंता के चला सकते हैं, ना ही आपको गियर को छेड़ने की जरूरत होगी। ओनली फॉर आपको रेस देनी होगी और ब्रेक पर ध्यान रखना होगा। ये ऑटो सेंस करके गियर अपने आप चेंज करता रहेगा। दूसरा जो दोस्तों न्यूट्रल, जो कि आपको सबको पता ही होगा न्यूट्रल के बारे में, कार खड़ी करने के बाद आप न्यूट्रल कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों वो है आपका रिवर्स, अगर आप आर पे कर देंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगी कार आपकी। तीसरा जो दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज, अगर आप इसी कार को मैन्युअली चलाना चाहते हैं, वो है आपका ये वाला ऑप्शन। तो आप इसे ब्रेक दबाकर सिंपली एम पर कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस का मैं आपको इसमें रूल समझा देता हूँ। प्लस मानी यानी दोस्तों, अगर आपको बड़ा गियर लगाना है, मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ, मुझे पहला गियर लगाना है, तो मैं इसे सिंपली नीचे कर दूंगा। ये पहला गियर लग गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब दोस्तों नीचे करते समय आपके बड़े गियर लगते जाएंगे। मान लीजिए पांचवें गियर के बाद आपको अब छोटा गियर लगाना है, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं माइनस माइनस पे कर दीजिए, ये आपका पांचवी बार सीधा चौथे पर आ जाएगा। उसके बाद अपने जरूरत के हिसाब से आप अपने गियर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि AMT कार को आप किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको दोस्तों वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।